ससुराल। आवाज सुनिए गाइस, नरम विष्णु शशि वर्णा चतुर्भुज प्रसन्न। दोस्तों, सबसे पहले हमारे तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आया हूं घूमने के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर, और हमारे साथ एक न्यू फ्रेंड है मेरे, देख सकते हैं इधर अभिषेक। और मैं चलता हूं, अब दिखाता हूं, यहां पे काली पूजा मेला लगा हुआ है माँ रामप्यारी हॉस्पिटल के पास, तो अब दिखाता हूं, और भी बहुत सारे जगहों का व्यूज भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप वीडियो में बने रहिए, मिस नहीं कीजिए। तो चलते हैं आप। दोस्तों, माँ रामप्यारी हॉस्पिटल के पास ही लगा हुआ है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है इधर। सारे लोग, अभी बहुत ज़्यादा नाइट हो चुका है, तो सभी लोग घूम घूम कर जा रहे हैं, तो देखता हूँ मैं मेले में कितना सारा भीड़ है और क्या क्या है नहीं है। और अब मैं पहुँच ही चुका हूँ, देख सकते हैं ये मेले का पीछे का रौनक है, और इधर माँ रामप्यारी हॉस्पिटल। यहाँ से एंटर करते ही देख सकते हैं खूबसूरत सा पंडाल बनाया हुआ है, जो कि पूरे ढोल के आकार का बनाया गया है। देखिए पंडाल, और यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए और देखने के लिए। तो मैं अभी इसके अंदर जाता हूँ, देखता हूँ अंदर में क्या हो रहा है। लग रहा है जैसे पूजा हो रहा है, तो मैं अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ अंदर का व्यूज। ये देखिए बहुत सारे लोग बैठ करके पूजा कर रहे हैं, और ये ऊपर का अंदर का सजावट है, तो देख सकते हैं कितने अच्छे से सजाया गया है। मेले का रौनक बढ़ाने के लिए ये सब छोटा छोटा चीज़ें लगाया ही जाता है हर जगह। और सबसे खूबसूरत यहाँ का पंडाल मुझे लग रहा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दूर से। एक बार और इस पंडाल का व्यूज देखिए, इसके बाद मैं निकलता हूँ कहीं और, देखता हूँ आगे क्या है। मैं दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे रांची में घूम रहा हूँ, और हर जगह का आपको वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि आप कोई भी पल मिस ना करें। आपको हर जगह का मैं वीडियो दिखाऊंगा, कहाँ पे क्या है नहीं है वो दिखाऊंगा। और चलिए, तब अब मैं चलता हूँ वेंडर मार्केट की ओर, और देख सकते हैं इधर का सजावट बहुत ही खूबसूरत किया गया है, इधर का रोड का बहुत ही अच्छा, दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत ही अच्छा किया गया है। और इधर मुझे कुछ दिख रहा है, तो मैं अब गाड़ी घुमाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या है। वाह, बहुत ही अच्छा सजावट किया गया है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है पंडाल टाइप का, तो मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ क्या है यहाँ पर। और ये मुझे कुछ भूत का बंगला के टाइप का लग रहा है, तो मैं अब देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है नहीं है। और ये पंडाल के बाहर एंट्री गेट पे कुछ पत्थर सा रखा हुआ है, जैसे बनाया गया है इस प्रकार की, लगना चाहिए कि ये भूत का ही बंगला है। और जैसे आप एकांत में देखते हैं पूरा साइलेंट पीसेस, वैसे करके बनाया गया है। और अंदर में बहुत ही खूबसूरत सा बनाया गया है, देखिए कितना अच्छा है। वाह, पूरा डरावना दृश्य। सो गाइस, देख सकते हैं पूरा भूत बंगला जैसा, एकदम डरावना दृश्य, एकदम खूबसूरत सा बनाया गया है ये। इधर देखिए भूत को, देखिए कंकाल। और इधर देखिए ये कालिया, और भी बहुत सारे इधर छुप छुप कर भूत बनाया गया है, गुफा के टाइप में ये मंदिर बनाया गया है पूरा। आवाज़ सुनिए गाइस, Hey,
बच्चे का रोने का आवाज़ और भी कई सारे देखिए यहाँ से। इधर देखिए कंकाल ये, अरे भूत वाला हाथ, बड़े बड़े राक्षसों का। और इधर देखिए एक इधर कंकाल सोया हुआ है भूत। यार तुम डरने का वही, इधर बच्चे का आवाज रोने का। दोस्तों अभी हम लोग नियर जयपाल सिंह स्टेडियम होते हुए गुजरे, तो यहाँ हमको बहुत ही अच्छा मोमेंट दिखा, तो मैं आपको दिखाया वीडियो में, और भी आगे चलता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, और भी दीपावली में पूरा आज घूमना है और हर जगह का वीडियो आपको दिखाना है, तो आप वीडियो में बने ही रहिए। अभी इस पंडाल को देखिए, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, जो कि वेंडर मार्केट के बगल में ही है, और मुझे जो भी छोटा छोटा चीज़ें दिख रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप कोई भी पल मिस ना करें। अगल बगल दुकानें पटाखे वाले और भी कई सारे दुकानें लगे हुए हैं, और साइड साइड में बीच बीच रोड में जो है वो लाइटनिंग दिया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। ये तो दीपावली का ही मोमेंट अच्छा लगता है हम लोगों को। अभी देखता हूँ और कहाँ कहाँ क्या क्या है, और भी आपको जो भी चीज़ें होंगे इधर उधर सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। सो गाइस ये NIBM वाला गली है, और देखिए यहाँ पर सजावट। यहाँ का जो लाइटनिंग दिया गया है वो बिल्कुल सोने कलर का है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, और रौनक यहाँ का जो है वो पूरा बढ़ा दे रहा है, और यहाँ का जो पंडाल का जो व्यूज है वो भी काफ़ी सुंदर है, जो कि बिल्कुल सोने कलर में है। देखिए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ का पंडाल बिल्कुल ही मस्त अच्छा लग रहा है। अब मैं चलता हूँ इस पंडाल के अंदर, और मैं आप लोगों को काली माँ से दर्शन करवाता हूँ। देखिए अंदर जाते ही काली माँ का प्रतिमा, और यहाँ का सजावट देखिए गाइस, इसके अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और देखिए यहाँ काली माँ, और फिर मैं अब बाहर जाऊँगा। और एक बाहर में एक छोटे से काली माँ, देखिए यहाँ पे छोटी सी प्रतिमा लगाया हुआ है। यहाँ का सजावट देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा से किया गया है, पूरा एकदम सुनहरा कलर में, जो कि न्यूक्लियस के जस्ट बगल में है, और अभी मैं जाता हूँ न्यूक्लियस, देखता हूँ वहाँ पे क्या है, और इस दीपावली के शुभ अवसर पर कैसा सजावट किया गया है वो देखता हूँ मैं। ये न्यूक्लियस मॉल के एंट्री गेट पे यहाँ हमेशा सजावट रहती है, देखिए ये दीपावली के अवसर पर सजावट किया गया है कुछ इस प्रकार है। और अंदर में भी एंट्री पे कुछ बनाया हुआ रहता है, तो मैं दिखाता हूँ अंदर में भी क्या है। तो हाँ अंदर में भी काफ़ी सुंदर सजावट किया गया है, देखिए कितने अच्छे सजावट किए गए हैं ऊपर में, और इधर अगल बगल बहुत सारे लोग आए हुए हैं न्यूक्लियस में, हमेशा आते ही रहते हैं यहाँ पे, विजिट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सजावट किया गया है, और दीपावली के अवसर पर तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर न्यूक्लियस में मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लग रहा है सजावट, और यहाँ पे पूरा क्लोज है आज, तो मैं अब चलता हूँ आगे। और मैं अब आ चुका हूँ मेन रोड फिरायलाल, और देखिए मेन रोड फिरायलाल का जो है पंडाल है, जो कि छोटे से प्रतिमा लगाया गया है यहाँ पे, और आगे देखिए इधर चौक फिरायलाल का सजाया गया है कैसे, इधर साइड साइड में। फाइनली हम लोग घूमते घूमते पीस रोड पहुंच चुके हैं, और ये देखिए कुमार गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट बगल गली में ही यहाँ पे भी पंडाल मुझे दिख रहा है, तो मैं यहाँ का भी व्यू दिखा देता हूँ, कहीं का भी मिस नहीं करूँगा मैं। तो मैं अब देखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी दर्शन करवाता हूँ आप लोगों को काली माँ से।
और यहाँ देखिए ये काली माँ की प्रतिमा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अब थोड़ा सा लालपुर वाला जो कोकर रोड है उसका व्यू ही देख लीजिए आप लोग। यहाँ का जो रोड है वो काफ़ी सुंदर सजावट किया गया है, हर जगह का यहाँ लाइटनिंग जो है वो काफ़ी सुंदर दिया गया है हर जगह से। हमको ये वाला जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा सजावट दिखा यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ का सजावट आप लोग। और यहाँ पे भी हमको कुछ पंडाल का टाइप दिख रहा है, तो मैं यहाँ का भी पंडाल मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दिखाने लगूँ हर जगह जा जा कर अंदर तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग टाइप में लगने लगेगा। सो गाइस, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ और मैं चलता हूँ अपने रूम। तो मैं थोड़ा सा अपने गली का सीन दिखा देता हूँ कि दीपावली में कैसा सजा हुआ है। ये हमारा गली और देखिए इधर का सजावट। सो गाइस, देख सकते हैं ये हमारे रूम के अगल बगल का व्यूज दीपावली का।